हेलो गाइस, स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जितने हमारे बड़े देख उनको सादर प्रणाम, जितने हमारे भाई बहन उनको खूब सारा प्यार, और आप सभी को राधे राधे। सो गाइस, मैं आज कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ जो कि गांव में लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अक्सर जो ओल्ड हो चुके हैं उनको ज़्यादा पसंद आता है, जैसे कि मेरे पापा जी, मेरे ससुर जी, मम्मी, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और अभी न्यू जनरेशन के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो चलो बनाते हैं और देखते हैं कि कैसा बनता है। और मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ, मैं कभी बनाई नहीं हूँ, तो चलो बनाते हैं। सो मैं आज बनाने जा रही हूँ बड़ा, और ये मैंने 5-6 घंटे दाल भिगो के रख दिया था। तो चलो मिक्सर जार में मैंने डाल दिया है, तो चलो फटाफट से पहले इसको पीस लेते हैं। सो गाइस, मैंने इसको पीस के रेडी कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने दोनों साथ में ही पीस लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हींग। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी। अब इसको हम मिक्स करेंगे। इस तरीके से बनता है। और इसमें हम नमक अभी नहीं ऐड करेंगे, हम आप लोग को दिखाएंगे। ये मैंने अच्छे से सब मिक्स कर लिया है, तो चलो फटाफट से अब इसको छानते हैं। सो गाइस, मैंने रख दिया है कढ़ाई, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने इसका फ्लेम तेज करके और पूरा तेल गरम कर लिया है, और मैंने फ्लेम धीमी कर दी है। तो चलो फटाक से डालते हैं। अब मैं थोड़ा सा ही लूँगी इसमें, और मैं इसमें अभी नमक ऐड करूँगी, और नमक ऐड करके ही बनाते हैं इसको। आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर लेना। और मैंने यहाँ पर लिया है पानी, ताकि हमारे हाथ में चिपके ना और बहुत ही अच्छी तरीके से बने। सो गाइस, पहले मम्मी बनाती थी और मैं बैठ के बस खाती थी, मेरे को आता नहीं था सब बनाने उनाने। लेकिन मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ कि कैसे बनाते हैं, तो चलो बनाते हैं। और मम्मी इस तरीके से ऐसे बना के डालती थी, मैंने देखा है गाँव में, और मैं अभी खुद से ट्राई कर रही हूँ कि मैं देखती हूँ कि बनता है कैसा, कि नहीं बनता है, अच्छा बनता है कि नहीं। और कोई भी चीज़ अगर हम ट्राई करें तो एक बार नहीं बनेगा तो दूसरी बार ज़रूर बनेगा। तो ये हमारा पहला रियल है, मैं इसको ट्राई कर रही हूँ कि कैसे। सो गाइस, ये बनके रेडी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी होगा आई होप। और अब इसको निकालते हैं और फटाक से बनाते हैं चटनी, जो कि इसके साथ चटनी बनाएंगे तभी खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। और इवनिंग के टाइम में गाइस, ये सब खाना बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है, और मुझे तो बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। सो गाइस, मैं हरी चटनी बनाने जा रही हूँ, और इसमें मैंने डाला है हरा धनिया, लहसुन और अदरक, जीरा, जो कि बहुत ही यमी और टेस्टी बन के रेडी होगा। सो फाइनली बन के रेडी है बड़ा, और आप लोग बताना कि मैंने कैसा बनाया है और किस तरीके से बनाया जाता है, आप लोग भी बताना कि मैंने सही तरीके से बनाया है कि नहीं, क्योंकि मैं पहली बार बनाई हूँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। सो गाइस, ये बन के रेडी हो गया, ये हरी चटनी, और ये हमारा रहा बड़ा, बहुत ही मस्त और क्रिस्पी रेडी हुआ है। किस किस का फेवरेट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अभी मैं चल रही हूँ अभी रबड़ी बनाने के लिए, तो आप लोग भी वीडियो में बने रहना और देखना कि मैं किस तरीके से रबड़ी बनाती हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी, आप लोग देखिए, ये है दूध और मेरा दूध उबल रहा है अभी, और ये है रबड़ी का पैकेट। तो चलो बनाते हैं रबड़ी। सो मैं इसमें ऐड करूँगी अभी रबड़ी का पाउडर, ये ऐड कर रही हूँ, आप लोग देखिए। इसमें चीनी पहले से ही ऐड होती है, तो चीनी नहीं ऐड करेंगे हम, और इसको अभी घुमाएंगे। आपको जितना गाढ़ा चाहिए आप उतना गाढ़ा इसको कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ काजू बादाम थोड़ा सा, और ये हमारा रबड़ी बनके टेढ़ी हो गया है, तो हम थोड़ा सा इसको ऐड करते हैं। केसर रहेगा तो केसर भी आप ऐड कर सकते हैं।
ये मेरा बनके रबड़ी रेडी हो गया है, आप इसे अब सर्व कर सकते हैं। मैंने सर्व कर दिया, ये है रेडी हमारा रबड़ी। इस हम इसको बॉल में निकाल दिए हैं और इसको हम रखते हैं फ्रिज में।